शादी के लगभग 10 साल होने को आए, फिर भी पति मारता पीटता है मुझे और मेरे बच्चों को। एक बार तो उसने मिट्टी का तेल ही डाल दिया था। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गुड़ थाने का है मामला। शादी के लगभग 10 साल होने को आए, फिर भी पति मारता है, पीटता है मुझे और मेरे बच्चों को। एक बार तो उसने मिट्टी का तेल ही डाल दिया था। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गुड़ थाने का है पूरा मामला। लड़की रीवा की रहने वाली, शादी के लगभग 10 साल हो गए, एक साल बाद से ही मेरे साथ मारपीट करने लगा था मेरा शौहर। बात बात पर मारता पीटता था, कभी बेल्ट से मारता था तो कभी लाठी डंडे से। एक बार तो उसने मिट्टी का तेल ही डाल दिया था। मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी भी दी थी उसने कई बार। वह कहता है अपने बाप से 50,000 रुपए लेकर आऊं। मैं पैसे कहां से लाऊं, मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने 2013 में ही मेरी शादी कर दी गुड़ में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ से। एक साल तो सब कुछ ठीक चला, उसके बाद से ही मेरे साथ मारपीट का दौर प्रारंभ हो गया। इसकी शिकायत मैंने गुड़ थाने में भी की, लेकिन वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं आई हूं रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के खिलाफ शिकायत। मैं चाहती हूं पुलिस अधीक्षक इस मामले में उचित कार्रवाई करें, मुझे न्याय दिलवाएं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अब अपने दो बच्चों को लेकर कहां जाऊं। मेरा पति मुझे आए दिन मारता पीटता है, बच्चों के साथ भी अब वह मारपीट करने लगा है। यह कहना है रीवा की रहने वाली शाहीन अंसारी का, जिनकी शादी गुड़ में हुई। शादी के 10 साल होने को आए, फिर भी पति मारता पीटता है। आज पहुंची रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर अपने बच्चों के साथ। हमने उनकी टीम से बात की, शाहीन अंसारी से बात की, उनका क्या कुछ कहना था हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा, मैंने अपने मारपीट की शिकायत गुड़ थाने में भी दर्ज कराई थी, वहां मेडिकल भी कराने की बात कही। वहां के पुलिस वालों ने साफ तौर से कहा, हमारे यहां मेडिकल नहीं होता। मारपीट की शिकायत कई बार दर्ज कराने के बाद जब हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो आज मैं आई हूं रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय। मैं चाहती हूं पुलिस अधीक्षक मेरी बात को ध्यान से सुने और हमें न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। साफ तौर से शाहीन का कहना था, मेरा पति मुझे पिछले 10 साल से मार पीट रहा है, शादी के 10 साल हो गए, मैंने बहुत तरीके से निभाने की कोशिश की। एक बार तो उसने मिट्टी का तेल भी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो बार बार मुझको ये धमकी देता है कि मैं अगर अपने बाप से 50,000 रुपए लेकर नहीं आई तो मैं तेरे को मार भी डालूंगा। मैं डरी हुई हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अब इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मुझे पुलिस अधीक्षक न्याय दिलवाएं, इसीलिए मैं आज रीवा में पुलिस अधीक्षक के पास आई। आइए आपको सुनाते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जब हमारी टीम ने शाहीन से बात की तो उसने हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम शाहीन अंसारी है। कहाँ से आई हैं? हम यहीं रीवा से हैं, शादी मेरी गुड़ में हुई है। कब हुई? 2013 में। अब क्या समस्या? मेरी समस्या ये है कि वो हमको शादी के 6 महीने से बहुत पीटता है और टांगी से भी मारता है, क्या नाम है, बेल्ट से बहुत पीटता है। जो मारपीट कर रहे हैं? मेरे शौहर है, हस्बैंड। कहाँ रहने वाले हैं? गुड़ के। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैं थाना में की थी। जी हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ, और वहाँ मेडिकल के लिए भी बोलो तो बोलते हैं मेडिकल यहाँ नहीं होगा, बंद हो गया है। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं? 2014 से। नहीं हुई है वहाँ, कोई सुनता ही नहीं है। अभी नहीं, मैं आई तो यही हूँ, लेकिन चाहती हूँ मेरी सुने वो भी। अब बहुत मारते हैं, मेरे बच्चों को भी मारा है उनने। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? बस ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत मारते हैं। क्या नाम है उनका? उनका मोहम्मद यूसुफ अंसारी। वो भी गुड़ी में रहते हैं। क्या चाहते हैं?
वो क्या चाहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने टांगी तक मारी है, यहाँ तक कि मिट्टी तेल डाल के जलाने की भी कोशिश की है उनने। अब बोलते हैं कि क्या नाम, पैसा दो मेरे को, 50,000 रुपये पैसा चाहिए, अपने बाप से पैसा लेके आओ। दहेज की मांग कर रहे हैं। हाँ, दहेज की भी मांग करते हैं।